हेलो एंड वेलकम टू वेग इन्वेस्टमेंट। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि HDFC लाइफ का चार्ट खुला हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा रिवर्सल। यहाँ पे अराउंड 660 से लेके 691 तक एक रिवर्सल देखने को मिला इस शेयर में, लगभग 30 रुपये का। मार्च में इस शेयर में एक भारी करेक्शन देखने को मिला, लगभग 740 रुपये से 660 रुपये, लगभग 80 रुपये का करेक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो RSI इंडिकेटर है वो है अभी 50 पे, लगभग जब ये 70 पे होता है तो यहाँ पे एक करेक्शन देखने को मिलता है इस शेयर में, लगभग 2 बार ये पहले भी देखने को मिल सकता है, मिल चुका है। तो यहाँ पे अगर मैं पी रेशियो की बात करूँ तो कंपनी का पी रेशियो निकल के आता है 103। काफ़ी मजबूत कंपनी है ये HDFC लाइफ। और यहाँ पे हम टारगेट की बात लेके चले तो पहले भी ये कंपनी 730 740 पे जा चुकी है, तो अभी भी इस कंपनी में चांसेस है कि आपको 40-50 रुपये पर शेयर ये कमा के देगी। तो आप इतने का तो टारगेट लेके चल ही सकते हैं। और जिस तरीके से इस अप्रैल महीने का शुरुआत हुआ है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है ये टारगेट छूने में, कंपनी ज़्यादा वक्त नहीं लेगी। दूसरा जो यहाँ पे चार्ट है वो है SBI लाइफ का। बता दें कि SBI लाइफ दे रही है अपने इन्वेस्टर्स को 2.5 रुपये का डिविडेंड, और इसका एक्सपायरी डेट रखा गया है 5 अप्रैल को। देखा जाए 900 रुपये के शेयर के लिहाज से 2.5 रुपये का डिविडेंड काफ़ी कम है, लेकिन कुछ ना सही से कुछ भला। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शेयर में एक भारी करेक्शन देखने को मिला है इस मार्च के महीने में एक अच्छे उछाल के बाद। तो यहाँ पे पी रेशियो की बात करें तो लगभग 70 का निकल के आता है इस कंपनी का। RSI इंडिकेटर के देखें तो जब ये लगभग 70 पे होता है तो इसमें आपको एक गिरावट देखने को मिलता है, ये आप चार्ट में देख सकते हैं लगा था। और अभी जो है इसका RSI लगभग 46 के करीब है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अभी इस शेयर का वैल्यू चल रहा है अराउंड 883। लगभग ये शेयर हाई की माने तो 970 980 जाके आ चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सपोर्टिंग प्राइस, और इसका ये यहाँ पे निकल के आता है एक रेजिस्टेंस। और यहाँ पे एक लग रहा है कि ये कंपनी में हल्का सा जे कर्व आपको देखने को मिलता है अपर साइड में, और लगभग मैं बोल सकता हूँ कि ये शेयर में अभी दम है। इसका फंडामेंटल्स, उसका फाइनेंशियल्स बहुत ही अच्छा है। तो अगर ये महीना अच्छा रहा अप्रैल का, तो आपको इसमें एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है इस कंपनी में। एक ज़बरदस्त 960-970 का टारगेट आराम से आपको इस कंपनी में देखने को मिल सकता है। और आपको ये बात भी बता दूं कि मार्च में एक रिपोर्ट निकल के आई थी कि लाइफ इंश्योरेंस में बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ है सारी बैंकिंग कंपनी को, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा है 2020 में। तो इसलिए यहाँ पे आपको एक अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है इस कंपनी में। और आप 950-960 के टारगेट को लेके चल सकते हैं, जो यार ये पहला टारगेट होने वाला है। और ये दूसरा टारगेट होने वाला है वो लगभग 1000 के ऊपर, अराउंड 1050 का टारगेट होने वाला है अगर आप 2-3 महीना इस शेयर को होल्ड करके चलते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।